महाराष्ट्र का स्थापना दिन है और इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन जब हम मनाते हैं तो कामगार दिन भी मनाते हैं। और आपको पता होगा कि संयुक्त महाराष्ट्र जब निर्मित हुई उसकी जो लड़ाई थी, उस संघर्ष के लड़ाई में बहुत से कामगार जो थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत से लोगों ने अपना जीवन दान दिया है और इसीलिए ये दिन एक कामगार दिन और महाराष्ट्र की निर्मित का दिन करके महाराष्ट्र में हम मनाते हैं। जिन 105 हुतात्मों ने इसके अपना बलिदान दिया उनको हम याद करते हैं और उसके साथ ये कामगार दिन होने के नाते कामगारों के न्याय हक के लिए जो इस समाज के लिए यूनियन के नाते लड़ रहे हैं ऐसे सारे संगठन को मैं शुभकामना देता हूँ। खास करके आज धड़क कामगार यूनियन, खास करके अभिजीत राणे और उनके सारे सहयोगी, जिस तरह से समाज में जो अनस्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह का यूनियन नहीं होता है, ऐसे सर्वसामान्य लोगों को जाकर न्याय दिलाते हैं और कामगारों के हित में ये जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और आज जिस तरह से हम कामगार दिन मना रहे हैं, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट इस देश के ऊपर आने वाला है। सारे यूनियंस जो है कामगारों के, उन्होंने इसकी विचार करना, उस विचारधारा तो लोगों तक ले जाना, ये काम करना चाहिए क्योंकि कामगारों के लिए जो नया कायदा आ रहा है उसमें जो असंगठित कामगार है उनको तो हम न्याय ही नहीं दिला सकते, इस तरह की स्थिति होगी। सारे दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस तरह से आकर काम कर रहे हैं वैसी स्थिति महाराष्ट्र और देश की होगी और इसको अगर बचाना है तो कामगारों को हित को बचाना है, इसलिए सारे कामगार इकट्ठा आके इसके खिलाफ हमें लड़ाई देनी है और इसके लिए आगे जाकर काम करना है, यही मैं आज के दिन पर कहूँगा। सारे कामगारों को मेरे ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे मित्र अभिजीत राणे जो पिछले अनेक सालों से ये काम कर रहे हैं उनका एक विशेष ऐसा काम करने का एक अंग है कि उनके साथ कोई आवे ना आवे उनका चलता चले काम चालू रहता है। और मुझे ऐसे कार्यकर्ता बहुत पसंद है कि कभी भी अपने ज़िंदगी में तेज़ी नहीं रहती, कभी मंदी भी रहती है कभी तेज़ी भी रहती है, लेकिन मंदी और तेज़ी में जो अपने साथ रहते हैं वो अपने होते हैं और उनको साथ में लेकर चलने वाला ऐसा अभिजीत राणे है, इसलिए इस दोस्त को आज मैं मेरे ओर से महत्वपूर्ण ऐसे इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले दिनों में धड़क कामगार यूनियन इस महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी यूनियन बनेगी, ऐसी भी शुभकामनाएं मैं उनको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे बड़े भाई और शिवसेना के लोकप्रिय तटस्थ MLA श्री सुनील प्रभु जी ने आज हमारे इस महामेलावा का इनॉग्रेशन उनके हाथ से हुआ है, मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ में हमारे उपाध्यक्ष एडवोकेट मुरली पणिकर जी है, हम पूरे यूनियन की तरफ से सुनील जी के आगे के भविष्य और आगे के उनके पूरे पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।